जोहार नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में रोडमन का स्वागत है। मैं सत्यव्रत ठाकुर देश दुनिया राज्य और जिला का समाचार का संदेश रोडमन के बीच में उपस्थित हूँ। राजधानी रांची में अपराधी मन फिर से तांडव मचा ले, अबरी खून कर होली खेलल जाए। अपराधी मन सगा भाई और बहन कर हत्या करके शहर में हड़कंप मचाए दे है। जानकारी कर मुताबिक शुक्रवार रात के अज्ञात अपराधी मन एगो परिवार कर तीन जन कर हत्या कर प्रयास कर लें, जेकर में भाई और बहन कर मौत हो गलक, जबकि माए गंभीर रूप से घायल है। घटना का सूचना भेटल बाद पुलिस घटना स्थल ठन पहुंच के जांच पड़ताल में जुटल है। अपराधी मनक धर पकड़ लागिन छापामारी अभियान चलाल जाते। घटना कर बारे में बताल गेलक कि अपराधी मनक हमला में माए चंदा देवी बुरी तरह से घायल है, जबकि उकर 17 वर्षीय बेटी श्वेता कुमारी और 14 वर्षीय बेटा ओम कर हत्या अपराधी मन द्वारा करल जाए। जानकारी कर मुताबिक चंदा देवी कर पति संजीव दुबई में रहेला। चंदा देवी अपन बेटा और बेटी का संगे पंडरा ओपी क्षेत्र का जनक नगर स्थित घर में रहत रहे। घटना कर बाद पुलिस घटना स्थल ठन पहुंच के मामला का जांच में लागल है। हुए घटना कर बाद गोटे इलाका में सनसनी फैलल है। हुए घटना कर महज 6 घंटा कर भीतर आरोपी रोहन कुमार के पुलिस बैंक कॉलोनी से धरला। रोहन से पंडरा ओपी में पूछताछ करल जाते। हत्या कर मामले में दुई गो और आरोपी मनक तलाश जारी है। जल्दी ये दुयो के भी गिरफ्तार करल जाए। मोबाइल लोकेशन कर आधार में आरोपी रोहन कुमार के धरल गया। रिम्स में इलाजरत मृतक श्वेता सिंह कर माए पुलिस के रोहन का नाम बताए रहे, जेकर बाद उके बैंक कॉलोनी से धरल गया। हत्या कर पीछे प्रेम प्रसंग कर मामला बताल जाते। प्रेम प्रसंग कर चलते भाई और बहन कर हत्या और माए कर हत्या कर प्रयास करल गया। मृतक कर माए द्वारा बताल गया कि 3 बजे मंदिर जाए से पहले घर के साफ सफाई करत रहे। यह घड़ी श्वेता कर प्रेमी रोहन कुमार अपन दुई गो दोस्त कर संगे घर में ढुकलक और श्वेता कर भाई कर हाथ गोड़ के बांधते उकर हत्या कर देलक। वे श्वेता कर भी उकर माए कर सामने रोहन द्वारा हत्या कर देल गलक। उकर बाद उकर माए पर भी हमला करके अपराधी मन भाग गेलै। कुछ देर बाद घटना का जानकारी मिलल बाद उलाली का आदमी मन पुलिस के जानकारी देलै और पुलिस घटना में त्वरित कार्रवाई करते आरोपी रोहन के 6 घंटा कर भीतर गिरफ्तार कर रहे। बाकी दुई गो भागल अपराधी कर भी गिरफ्तारी लगिन छापामारी अभियान जारी है। कैसे घटना का बजाला मृतक कौन है आपके? हमारी बेटी है। पूरा मामला बताइए, क्या क्या हुआ है? सुबह में 5:30 बजे के आसपास मुहाले के लोग हमको जाके बताए कि चंदा के घर में खून गिरा हुआ है। दौड़ के आए, अंदर से गेट सिटकनी बंद था, चैनल खुला था, तो धक्का मारे गेट खुला तो देखें हमारी बेटी और नातिन यहीं पर पड़ी हुई है। प्रवीण कुमार हमारा नात है, वो अंदर रूम में पड़ा हुआ था। ऊपर देखे तो ऊपर का छत का गेट खुला था। फिर उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। क्या वजह? कुछ वजह कुछ नहीं बता। जब आप आए थे तो आपका नाती जिंदा था? हाँ, तभी ना हॉस्पिटल भेजे हैं दोनों को। क्या लग रहा है, किसी से कुछ दुश्मनी वगैरह कुछ? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। कभी कोई धमकी वगैरह नहीं? क्या नाम है? दया शंकर सिंह। अभी आपके नाती रिम्स में है? डेस कर गया, हॉस्पिटल पहुंचता था वो। डीए भी बरियातू, 9 क्लास का स्टूडेंट था ये भी। बेटी बेटी किस क्लास में? नातिन +2 में, अभी एग्जाम बोर्ड का एग्जाम दी है। अच्छा, डीए भी बरियातू। हमला क्या चीज़ से किया? देखे क्या लगा आपको, हमला किस चीज़ से हुआ? अब कैसे बताएं आपको, कुछ डार्क में है हम। सूचना मिली कि एक चंदा देवी नाम की महिला जो अपना परिवार के साथ रहते हैं, उसके घर के बाहर ये खून बहा है। परिवार के लोग पिताजी आए तो गेट तोड़ के अंदर देखे, उसकी जो नाती है और उसकी बेटी और उसका जो बेटा था महिला का, सभी लोग खून से लथपथ थे। उसी को एक जो नाती थी उनका, यहीं पे श्वेता सिंह नाम है, जो उम्र 17 साल करीब बता रहे, यहीं पे मृत पड़ी हुई थी और दो लोग घायल थे। दोनों को रिम्स इलाज के लिए ले गए हैं। उसी क्रम में एक ओम नाम का जो उनका
महिला का बेटा था वहीं पर इलाज के दौरान डेथ कर गए हैं और महिला का भी इलाज चल रहा है। अभी तक क्या निकला इस हत्या की वजह क्या? अभी उसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं सभी बिंदु पे, जो भी है जल्द से जल्द उस पर पहुँचेंगे। प्रथम दृष्टिया क्या लगता है सर? देखिए अभी कहना जल्दबाजी है, उस पर हम लोग सभी बिंदु पे कर रहे हैं, हमारा एफिशियल का टीम भी आया है, इस पर जल्द हम लोग पहुँचेंगे। ठीक।